Guys, first of all, very, 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 very Merry Christmas, guys! You know it's morning, <laughs> and I just saw the comments last night, and uh, I was really so furious after seeing your guys insisting I really can't stop myself, though in a busy schedule. But I think today I have a holiday, so I'll try today to cover this topic, right? Okay, I'll definitely try to cover the chapter itself today. Okay. And I'm so happy guys your comments are just just so cute I can say and pretty my God God bless you dear. Really, you're so cute and so nice. there are many people you know uh, I'll try that I mention them by the end of the video. now let's start with it the distinctness of the of theory uh, you know first of all I would say that the word uh, sorry the word distinctness you know just right under it features. You know because this is not uh, the concept or this is not the heading which is telling you that they will be telling you the varieties of theory. No, they will just tell you the features of theory. It is just like you are buying. You know you are buying a uh, device. Let's take an example. You are buying a phone, and these are just the features of that phone. So phone is theory and. this topic covers the features of the phone we are not studying uh, it's not saying about that how uh, or it's not comparing one phone with the other phones no it is just one thing that is theory and it is studying the features of the theory ki theory humne padh li hoti kya hai ab iske features basically jo humne padha na ki theory hoti kya hai वही एकदम आपको एकदम क्या बोलते precisely arrange अरेंज करके यहाँ बताया है कि फीचर्स सबसे पहला फीचर जो इसका है दैट इज़ कंसेप्शुअल क्लैरिटी इसको काफ़ी अलग अलग नाम से बोला गया है जैसे इसको बार बार बोला गया है कि थोड़ी ऑब्सेसिव नेचर है फर्स्ट फीचर का थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस है जब आप अपने बारे में सोचो आप अपने बारे में ऑब्सेसिव या यू नो अ काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्शियस कब होते हो बैन यू आर टू मच कंसर्न अबाउट योर सेल्फ एंड यू डोंट वॉन्ट यू टू बी एनी वेर रॉन्ग राइट यू आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द थिंग सो सेम इज थ्योरी थ्योरी ऑलवेज ट्राइज कि वो जितनी ऑथेंटिक हो सके उतनी ऑथेंटिक हो और ऐसे ही कोई भी आके थ्योरी नहीं कर सकता वी हैव डिस्कस दिस इन द

फॉर एग्जाम्पल आप ले लो यहाँ एग्जाम्पल फ्रीडम का दिया है सो लेट्स टेक फ्रीडम तो यहाँ बोला गया है कि जब आपको बोला जाता है कि यू आर फ्री आपको बोल दिया कि आप फ्री हो तो आप किस सेंस में फ्री हो लाइक यू नो एक पर्सन जो बार्स में झगड़ा हुआ है जिसको जेल में डाला हुआ है उसके लिए फ्री होना या कोई पैरट है कोई भी स्पैरो है बर्ड है उसको केज में डाला है तो उसके लिए फ्रीडम क्या होगा कि उस केज से बाहर आना दैट इज़ द फ्रीडम फॉर देम ठीक है जो लोग सपोज कर लो किसी को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है इसे okay? ओके लेकिन वो फाइनेंशली इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो उसके लिए वहाँ उसके लिए उसके ड्रीम्स वहीं रुक गए वो फ्री नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है समवेयर ही इज़ बाउंड कॉन्स्टेंस आ गए उसके ऊपर कि उसे रुकना पड़ा हायर स्टडीज़ करने से करने के लिए और एक और एग्जाम्पल है आई डोंट नो वन वील रीड विल गो थ्रू इट सो मतलब हर इंसान के लिए कॉन्फिडेंस अलग अलग है और फ्रीडम का एग्जाम्पल लेकर बताया कि फ्रीडम व्हाट फ्रीडम व्हाट इज वाई इसकी मीनिंग कितनी वेरी करती है सोशल इकोनॉमिक फ्रीडम अलग चीज होती है यू नो डिफरेंट काइंड अच्छे समझाया गया तो मेन थिंग इज फर्स्ट फीचर टॉक्स अबाउट द कंसेप्शुअल क्लैरिटी ऑफ थ्योरी एंड इट्स ऑथेंसिटी आई मीन इट शुड बी मोर एंड मोर ऑथेंटिक नॉट एनीथिंग दैट समेशन गुड राइटेड ऐसा नहीं होता ठीक है नाउ लेट्स बिगिन विदर फर्स्ट फीचर द डिस्टिंगनेस ऑफ थ्योरी लेट मी टेक ऑन माई पेंसिल राइट वाई दे डिस्टिंगनेस ऑफ थ्योरी वेरी बिगनिंग इधर यू कट डिस्टिंगनेस और यू राइट डाउन फीचर्स ऑफ थ्योरी बिकॉज दिस इज बेसिकली द फीचर्स ऑफ थ्योरी फर्स्ट फीचर इज एन ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव एंड सेल्फ कॉन्शियस कंसर्न विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है कि ये पहला फीचर जो है ना बहुत ऑब्सेसिव है अपने से जुड़ा है मतलब थ्योरी से जुड़ा है और सेल्फ कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा कि मैं जितना अच्छा हो सके जितना ऑथेंटिक हो सके मैं बनूँ थ्योरी कह रही है ओके विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे चाहे वो लिबर्टी हो चाहे वो फ्री यू नो फ्रीडम के रिलेटेड फ्रीडम से रिलेटेड राइट्स है एक्चुअली राइट से रिलेटेड right right हो तो इट ऑल ऑलवेज ट्राई कि वो जितना ज़्यादा हो सके करेक्ट हो और सेल्फ कॉन्शियस के दायरे के हिसाब से बोल रहे हैं विथ हाउ कन्सेप्ट रिलेट टू वन आन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो वैन यू स्टडी पॉलिटिक्स अगर आप एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से रिलेट नहीं कर पा रहे हो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है राइट्स का पढ़ोगे तो उसमें जस्टिस इक्वालिटी सब आता है ना ठीक है सो so कॉन्सेप्ट एक दूसरे से हमेशा रिलेटेड हो एक दूसरे को कंट्रास्ट ना करें जबकि ऐसा होता है कंट्रास्ट इन सेंस कैसे होता है कि जब हम एक ही टॉपिक uh, पे दो लोगों के व्यूज पढ़ते हैं तो सर्टन टाइम थोड़ा सा कंट्रास्ट दिखता है एंड वो कंट्रास्ट जरूरी भी होता है बिकॉज दैट मेक्स यू थिंक द अदर साइड ऑल्सो ओके अगर सिर्फ एक ही पर्सन की फिलोसफी आप पढ़ोगे तो आप सिर्फ ए साइड का ही सोचोगे वेन यू विल हैव है वैन हैव अ बेटर और अ सेकेंड ओपिनियन ऑफ सम वन एल्थ बी फिलोसफर तो आप बी साइड से भी सोचोगे ये आपके माइंड की थिंकिंग को एक्सपैंड करता है ओके एंड कम्स इन क्लस्टर तो इसी तरीके से सारे कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं और क्लस्टर्स में आते हैं ग्रुप फॉर्म करते हैं एंड हाउ इन टर्न दे दे देयर ओन बाउंड्रीज और फिर वो अपनी ओन बाउंड्रीज लिमिट करते हैं देखो बहुत जरूरी होती है कोई भी कंसेप्ट हो चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके अंदर एक कंसेप्ट की बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है एक स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी कंसेप्ट का लाइक वन ऑफ यू इन द कमेंट ऑफ द प्रीवियस वीडियो आई थिंक सेट की Um, uh, please explain the distinctness of theory, sorry of theory because it's going over the head. तो ये होता है इट्स वेरी नेचुरल बिकॉज जब तक हम एक concept को या एक हम चीज़ को paragraph wise या एकदम उसको you know अपने mind में formulate ना कर ले disciplined way में तब तक वो चीज़ नहीं समझ आती तो so, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हर कंसेप्ट की एक बाउंड्री हो एक स्ट्रक्चर हो कुछ भी हवा में बात नहीं कर सकते क्योंकि एट the एंड उन्हें एक बुक छापनी है दे कैन नेवर डू दिस कि अपने स्टार्टिंग की बुक में वो कुछ और कह रहे हैं एंडिंग में जाते जाते कुछ और कह दिया सेम गोल्स फॉर ह्यूमंस आप भी अगर एक ग्रुप में बैठे हो यू कैन नॉट बी हाइपोक्रेटिक पर्सन कि आप स्टार्टिंग में बात कुछ और कर रहे हो एंडिंग में जाते जाते उल्टा ही ओपिनियन दे रहे हो सो सेम इज़ इसकी एक बाउंड्री होना हर चीज़ की जरूरी है अब फिलासफर और अ थ्योरिस्ट देखो इस पैराग्राफ में फिलोसफर का रोल बहुत बताया है ठीक है आप फिलोसोफर कह सकते हो थ्योरिस्ट भी कह सकते हो फिलोसोफर तो देखो बहुत सारे होते हैं लेकिन जिसकी फिलोसफी हमें अच्छी लगती है पॉलिटिकल साइंस में वो थ्योरिस्ट बन गए क्योंकि हमने उनकी थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में ली है फॉर माई पर्पज़ आई विल ऑफ़न यूज़ दीज टर्म्स इंटरचेंजबली बिल्कुल क्योंकि एक फिलोसोफर जिसकी थ्योरी एक्सेप्टेबल है वो थ्योरिस्ट है तो इन वर्ड्स को ये बोल रहे हैं कि वी कैन ऑफन टेक इट इंटरचेंजबली फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फिलोसोफर हमेशा वर्ड्स की मीनिंग्स पर ध्यान देते हैं ऑन द डिफरेंट वेज इन विच द वर्ड्स आर यूज दैट शी कैन इवेंचुअली आंसर क्वेश्चन फिलासफ़र की बात कर रहे हैं कि वो जो होते हैं एक वर्ड को डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं ताकि वो उसका एक डिफरेंट और जितने आंसर्स हो सके दे सके आपको पता है कि फिलोसफ़र क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है या उसकी थिंकिंग प्रोसेस कॉमन पीपल से थोड़ी एक लेवल अप होती है ठीक है इसमें एग्जाम्पल दिया है आगे कि इफ़ यू लास्क अ पर्सन अबाउट टाइम तो जनरली हम क्या करें विल लुक एट द वॉच एंड विल रिस्पॉन्ड टू द एंड विल आंसर कि जो भी टाइम हो रहा है बट इफ़ यू आर आस्किंग फिलासफ़र वॉट द टाइम तो वी एक्सपेक्ट कि वो टाइम की इम्पॉर्टेंस बताएगा हाउ टू लिव इन टाइम ये बताएगा नॉट कि ये नहीं कि वो अपनी वॉच की तरफ देख के हमें टाइम बताए सो फिलोसफर से एक्सपेक्टेड ही इतना हाई लेवल का होता है सो सो एज फॉर थ्योरिस्ट थ्योरिस्ट से भी यही एक्सपेक्ट होता है कि उनके आंसर्स हमेशा हमेशा कंसेपचुअल क्लैरिटी के अंडर आए और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए ओके सच एज वॉट इज जस्टिस अभी एक क्वेश्चन पूछ लिया ठीक है वॉट इज जस्टिस वॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज सोशल रेवोल्यूशन जस्ट राइट कि जैसे थियोरिस्ट या फिलोसफर से जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाट इज सोशल रेवोल्यूशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोशल रिफॉर्म और सोशल अर्थनिंग वॉट इज द कोर आइडिया ओ आई ओ सॉरी सो सोशल रिफॉर्म सोशल इंजीनियरिंग वट इज द कोर आइडिया ऑफ फ्रीडम इफ़ देर इज वन वट आर इसके अंदर फिलोसफर्स के व्यूज ही हैं जो इन कंसेप्ट को और इन क्वेश्चनस को आंसर करते हैं नॉर्मल लाइफ में नो बडी आस् दिस क्वेश्चन नो बड़ीज दे एम इंटरेस्टेड इन आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता येट्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग अगर किसी पे ये चीज आए सपोज समन हैज बीन चीटेड देन दे माइट गो एंड आस्क इन द कोर्ट एंड दैट्स वेरी नॉर्मल दैट्स नॉट रॉन्ग एक्चुअली वैन समथिंग गो रॉन्ग बाय योर साइड यू कैन डेफिनेटली क्वेश्चन है बट एज अ नेचुरल नो वन क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इन द सोसाइटी ठीक है हम इन क्वेश्चन को नहीं रेज करते बट फिलोसफर मस्ट रेज दीज क्वेश्चनस्टैंड लेकिन एक फिलासफर को ये क्वेश्चन हमेशा रेज करने चाहिए बिकॉज दैट इज इवेंचुअली देयर जॉब टू डू सो ओके यू बींग अ पोलिटिकल स्टूडेंट इट इज योर जॉब नॉट जस्ट बींग बुकिश कीड़ा बट ऑलवेज बींग सेंसिबल अबाउट द थिंग्स एंड सेंसिटिव अबाउट द थिंग्स विच आर ऑलवेज गोइंग अराउंड यू डोंट जस्ट फॉलो द इंडियन टेलीविजन मीडिया दे आर नॉट दैट गुड प्लीज लेट मी मार्केट ओके सो फिलोसफर्स से एक्सपेक्टेड होता है कि वो ये क्वेश्चन जरूर रेज करें उनको अंडरस्टैंड करें एक पर्टिकुलर वे में जरूर एनालाइज करें और दुनिया को दिखाए ठीक है नॉट एवरी वन कैन बी ए फिलासफ़र देन अब देखो ये टाइम वाला एग्जाम्पल है वेन आस्क वॉट टाइम इज वी डू नॉट एक्सपेक्ट फिलासफर्स टू लुक एट वॉट इज एंड टेल इज द प्रेस टाइम ऑफ द डे ओके दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेड थिंग फ्रॉम फिलोसफर्स फिलोसफर्स आर एक्सपेक्टेड टू कन्वीज वॉट

Or both are the important. Now, if a philosopher is asked a question about basic need, he is not expected to supply us with a list of our most urgent desires, very important term, urgent desires, but rather to make us understand how needs are different from ordinary desires and what is the distinction. What the distinction is between our most inescapable, this is important, and significant needs and other. एन अदर्स दैट एटलीस्ट टेम्प्रोरली वी मेल लिव विदाउट देखो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना वट आर द बेसिक नीड्स तो ये फूड शेल्टर होम दीज आर नॉर्मल थिंग्स एट एवरीबडी सेट ठीक है लेकिन स्टिल देर आर अदर देन दिस ओके थिंक अबाउट दिस अगर किसी को पूछा जाए कि ओके यू हैव फूड यू हैव शेल्टर यू हैव होम क्लोथ्स बट इसके अलावा अभी तो बेसिक नीड्स होती है ना आजकल से वेरी बेसिक नीड्स नहीं होती है देर आर मेनी थिंग्स तो जब एक फिलोसोफर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि बेसिक नीड्स क्या होती है तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो हमें एक लिस्ट बना के दे दे कि भाई ये ये बेसिक नीड्स होती हैं ये एटलीस्ट इंसान के पास होनी चाहिए नो दैट इज़ नॉट द थिंग विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम फिलोसोफर फिलोसोफर क्या होगा वो हमें अर्जेंट डिज़ायर्स ओके उनकी लिस्ट ना देकर इंस्टेट वो हमें ये समझाएं कि कैसे हमारी नीड्स हमारे ऑर्डिनरी डिज़ायर्स से बेटर हैं नीड्स एंड ऑर्डनेरी डिज़र्स आर डिफरेंट थिंग्स वो हमें समझाएँगे कि ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जो इन एस्केपबल हैं यानी जिनके बिना हम एक्चुअल में रह ही नहीं सकते और वो कौन सी नीड्स हैं जिनके बिना हम टेम्परली रह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अ प परसन हैज़ रियली वर्कड हार्ड एंड उस हार्ड एंड उसने अपना घर बनवा लिया बट उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सो टिल द टाइम ही गेट स मनी कलेक्टेड ही कैन स्टे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी though it's very difficult but still yeah he can bear up for some time with lights you know like batteries and all Wo ek temporarily time claims okay if a person doesn't have a tv in the home temporarily basis pe sakta hai. i think permanent bhi sakte hai. people like me who are not so interested so i am not interested yeah i am not actually so they can okay कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बिना आप टेम्पररी बेसिस पे गुजारा कर सकते हो लाइक इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ किचन ओके दे आर टी एंड शुगर यू नो लाइक टी लीव्स एंड शुगर दे आर द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स इन एवरी इंडियन किचन और इफ़ यू आर अ कॉफी लवर कॉफी बट फॉर अ वाइल सपोज फॉर यू नो अराउंड अ डे सोया चंक्स इन योर किचन आर ओवर सो यू कैन एडजस्ट टेम्पररी बाय मेकिंग डिफरेंट डिशेज इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू बाई इट द डे इट गेट्स ओवर और दैट कुड भी एनीथिंग ओके इट कुड बी टमेटो कैचअप और सॉस लाइक यू कैन यू कैन जस्ट टेक आउट अ वीक विदाउट इट इट इस नॉट दैट कम्पल्सरी टू हैव इट बट टी लीव एंड शुगर मिल्क दीज आर द मोस्ट कम्पल्सरी एसेंशियल्स इज द किचन नीड्स टू हैव इट सो एक फिलासफ़र क्या करता है इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करता है क्लासीफाई करने का तरीका फिलासफ़र का बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है द थिंग इज दैट एज लॉन्ग एज अ प परपज इज सर्व्ड वी डो नॉट ऑर्डिनली केयर वेदर वर्ड इज़ यूज लिटरली और मेटाफिकली और बोथ यहाँ थोड़ा ध्यान देना यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि जब तक हमारी ज़रूरतें पूरी होती है जब तक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते कि कोई शब्द लिटरली यूज़ हुआ है मेटिफिकली ओके लिटरली इन द सेंस कि हाँ सच में द वर्ड मीन्स वॉट इट इज सेंग मेटिफिकली मतलब कि उसको बड़ा चढ़ा के बोला है या ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता या फिर दोनों तरीके से यूज़ हुआ हो तो भी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हमारी ज़रूरतें अच्छे से पूरी हो रही है जैसे पोएट्स होते हैं ना दे डू इट मोस्ट द टाइम आपने अगर इंग्लिश में मेटाफर पढ़ा हो तो इट इज़ लाइक किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर देना दैट इज़ मेटाफर ठीक है तो so जैसे पोएट्स होते हैं नॉवलिस्ट होते हैं एसेइस्ट होते हैं यूज़ वर्ड सेल्फ कॉन्शियसली एंड विथ एक्सट्रीम केयर बट इट्स नॉट देयर बिजनेस टू यू सीट वाई दे हैव चूजन यहाँ क्या कोशिश की जा रही है मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर एक फिलोसोफर को पोएट से नावलिस से ऐसे इससे इनसे कंपेयर किया गया है देखो ना अपनी पोएम में कुछ भी यूज करता है पोएम डजन नीड्स अ लॉजिक पोएम के अंदर वो किसी भी यू नो वो एक रिवर को भी लाइफ uh, दे देते हैं उसके पास में जो पेबल्स होते हैं उनको भी लाइफ बता देते हैं कि द रिवर एवरीडे पासिस बायर्स। लेकिन एक फिलासफर ऐसा नहीं कर सकता यू कैनॉट स्टडी थियोरी दिस वे यू नीड टू बी प्रैक्टिकल ठीक है नॉवल कोई नॉन मतलब uh, जैसे हैरी पॉटर है आप उसमें लॉजिक नहीं ढूंढ सकते यू कैनॉट से एक दिस ड इन रियल वर्ल्ड लेकिन थ्योरी में वॉट यू आर स्टडिंग इट मस्ट भी रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड एंड मस्ट भी प्रैक्टिकल सो कोई भी वर्ड uh, फिल, जो फिलासफर्स होते हैं ऐसे यूज़ नहीं कर सकते उन्हें हर वर्ड को एक्सट्रीम केयर के साथ यूज़ करना होगा लेकिन पोएट्स नॉवलिस्ट और एसट के लिए इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दे कैन यूज एनी वर्ड लिटरली ऑल्सो एंड मैटरफिकली ऑल्सो दैट डजेंट मैटर बेसिकली लेकिन एक फिलासफ़र ऐसा नहीं कर सकता ओके वाई दे हैव चूजन और इसीलिए उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं पोएट्स को कोई नहीं पूछता आ रही है आपने क्या पोएम बनाई है आपने स्टोन्स को लाइफ दे दी ऐसा कभी होता है क्या नो यू नेवर क्वेश्चन है इनस्टेड यू अप्रीशिएट द थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन राइट एंड दैट्स नॉट रॉन्ग यूज देयर बैदर दैन सम अदर वर्ड्स और मेक एक्सप्लिसिट कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंसेप्ट ये कभी नहीं होता यू नेवर आस्क अ पोएटर्स की वाई डू यू हैव यूज सच वर्ड्स एंड प्लीज फॉर्म अ कनेक्शन इन द पोएम दिट इज कम्प्लीटली लॉजिकल ऐसा नहीं होता यू डो नॉट कनोट अ जॉब ऑफ अ फिलोसफर एंड इन एजो एज फिलासफी इज़ अ पार्ट ऑफ थ्योरी ये ध्यान रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लियरली कहती है कि फिलोसफर्स का फिलो, और फिलोसफी का थ्योरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द जॉब ऑफ थियोरिस्ट इज़ टू अकम्पलिश प्रिसाइसली दिस और एक थियोरिस्ट का काम होता है देखो तो फिलासफर से एक थियोरिस्ट का बनता है जब किसी की फिलासफी एक्सेप्टेड हो और वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हो तो वो फिलोसोफर थ्योरिस्ट बन जाता है क्योंकि उसकी थ्योरीज हमने ले ली एक्सेप्ट कर ली तो उन थ्योरीज को एक बहुत ही प्रिसाइज्ड मैनर में उनको समझाना होता है अ फुल बॉडी इट्स सेंसिटिविटी टू द एंटायर दिस इज इंपॉर्टेंट देखो सेंसिटिविटी वर्ड यूज किया ना अ फुल बॉडी इट सेंसिटिविटी टू द एंटायर वेब ऑफ कॉन्सेप्ट एंड अ कमिटमेंट टू इट्स आर्टिकुलेशन इज द फर्स्ट फीचर ऑफ थ्योरी कि आप सारे कंसेप्ट को एक सेंसिटिविटी के साथ उसका एक एंटायर कंसेप्शुअल वेब बनाएँ एंड आर्टिकुलेट करें दैट इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ थ्योरी दैट इज़ इन सिंपल वर्ड्स इट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे मीन टू से एंड कनेक्शन और इंटर रिलेशन ऑफ द कंसेप्ट एंड थ्योरी एक ऐसा वेब जो एक दूसरे से जुड़ा हो और ऑथेंटिक हो दैट इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट अभी हालांकि इसको बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है डोंट वरी इफ़ यू हैवन गॉड एट यू गेट इट

लोग क्या मतलब निकाल सकते हैं ये फ्रीडम जो है और लिबर्टी जो है सबसे डिबेटेबल कंसेप्ट है क्योंकि लिबर्टी के बारे में जब बात करते हैं तो यू नो इट इज़ एट कि क्या जैसे ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि स्मोकर का स्मोकर विशेज टू स्मोक ये उसकी लिबर्टी आप उसे कैसे छीन सकते हो लेकिन बाद में हम आइडियाज़ देते हैं कि इट इज़ हार्मफुल टू हिम टू हिस फैमिली टू द जनरेशन द वर्ल्ड और फिर हम उसको यू नो क्रॉस करते हैं लेकिन ये डिबेटेबल है सो so, यहाँ पर फ्रीडम का एग्जाम्पल यह है कि इस स्टेटमेंट को आप कैसे लोगे वी शुड ऑल बी फ्री अप टू वाट एक्सटेंड व्हाट इज द लिमिट व्हाट इज नॉट बहुत सारे क्वेश्चन ये स्टेटमेंट खड़े करता है सबसे पहले ये क्या है ना थ्योरी हमें सिखाती है सबसे पहले फॉर अ स्टार्ट दे मस्ट अंडरस्टैंड वाट इज मीन वॉट इज मीन व्हाट इट मीन्स टू बी फ्री ठीक है वी शुड ऑल बी फ्री अरे बट व्हाट इज फ्री वाट इज एग्जैक्टली बींग फ्री तो सबसे पहले तो फ्री की मतलब फ्री का जो मतलब है वो समझो

कि हम फ्री क्यों हुए वाई वी शुड बी फ्री ओके और नॉट इन दिस सेंस बट वाई नॉट इन अदर सेंस वेल मतलब जैसे जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो फ्रीडम जो हमें एक बुक सिखाती है ये वो बोल रहा है कि जो बुक में सिखाया वही क्यों कुछ अदर सेंस में क्यों नहीं वाई नॉट किलिंग सम वन इज अ फ्रीडम इसलिए ये वाई वाला क्वेश्चन आ गया टू बी फ्री ऑफ और फ्रॉम समथिंग इज़ टू गेट ऑफ इट what यू wish टू गेट रिड ऑफ must बी समथिंग दैट यू evaluate नेगेटिविटी यहाँ पर इसको थोड़ा क्लैरिफाई किया है थ्योरी यही तो थ्योरी का काम ही यही होता है कि वो आपको जितना क्लैरिफाई कर सके करे ठीक है टू बी फ्री का मतलब इन्होंने बताया टू गेट रिड ऑफ़ टू गेट रिड ऑफ़ मतलब किसी चीज़ से पीछा छोड़ाना तो ये बोल रहा है कि अगर आप किसी चीज़ से पीछा छोड़ाना चाहते तो वो हमेशा कोई नेगेटिव चीज़ ही होनी चाहिए आप ऐसा मत सोचो कि आप किसी पॉजिटिव चीज़ से पीछा छोड़ाओ नेवर डू दै ट्राई किया आप हमेशा नेगेटिव चीज़ से ही पीछा ठीक है इन द लिटरेचर ऑन फ्रीडम सच थिंग यू सच थिंग्स दैट यू विश टू गेट रिड ऑफ आर यूजली कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट्स ठीक है अगर इंग्लिश जो ये बात करें लिटरेचर की बात करें तो उन जो चीज़ों से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो उनको कॉन्स्ट्रेंस कहा गया है बेसिकली सो टू बी फ्री इज टू बी फ्री फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट देखो थ्योरी ऐसे लिंक्स बनाती है राइट

To get rid of your constraints is freedom. Depends upon understanding of what constraints, constraints What are these constraints? You cannot call your parents as your constraints. You want to be separated from them. Okay? Not at this age. I mean it's wrong. You cannot. What at this age? At every age. Are these constraints purely physical? Take the paradigmatic example of freedom. ओके पैराडिकमेटिक जो वर्ड है इट एक्चुअली मीन्स दैट गिविंग यू ए काइंड ऑफ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ठीक है सो इट्स अ काइंड ऑफ न्यू वर्ड यू कैन यूज इट अब यहाँ एक मैन के बारे में बोला है अ मैन इज इन चेंज ओके टू गेट एड ऑफ द चेंज एंड ही इज फ्री डेफिनेटली अगर आप किसी को बांध के रख रहे हो ठीक है तो उसके लिए फ्रीडम क्या होगा कि भाई इस चेंज से कैसे भी छूट जाए दैट इज़ फ्रीडम फॉर दैट पर्सन हालाँकि जब वो बाहर जाएगा उसके लिए और कॉन्स्टेंट्स आएंगे और फ्रीडम इन लार्ज होता रहेगा लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल एक बर्ड के लिए और एक चेन में बंधे हुए आदमी के लिए यही फ्रीडम है कि वो उन चेन से उस केज से बाहर आ सके दज प्रिजन रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लाइट ऑफ द बर्ड दैट विच इट इज मोस्ट फ्रॉन टू डूइंग एंड टू डूइंग एंड इज इट्स नेचर ठीक है बर्ड का नेचर होता है कि खुले आसमान में उड़े लेकिन अगर वो केज में बन जाए तो उसके लिए ये उसका एक कॉन्स्ट्रेंट हो गया एंड शी टू टू और एंड द बर्ड हैज़ गेट वैंडेड ऑफ इट राइट दैट्स फ्रीडम फॉर हर टू सेट द बर्ड फ्री इज टू गेट गेटेड ऑफ द केज इन द सेम वे प्रिजनर्स आर सेट फ्री वेन दे आर रिलीज ठीक है जब कोई प्रिजनर को छोड़ा जाता है तो वो भी फ्री हो गए रिलीज हो गए बाय द रिमेंबरिंग द प्रिजनर्स आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इन जर्मनी यू नो इफ एस्केप्स फ्रॉम अ जेल ना जेल तोड़ के भाग गया है कैसे भी तो फिर उसको वापस ढूंढा नहीं जाता बिकॉज दे थिंक कि टू बी फ्री इज एन इज नेचर ऑफ ह्यूमन तो अगर द पर्सन हैज़ वर्कड हार्ड एंड इफ दैट पर्सन हैज़ गॉट आउट लेट दैट पर्सन बी फ्री हालांकि जर्मनी की रेल्स तोड़ना इज नॉट ईजी बट इफ इट इज़ अ फैक्ट दैट इफ समन यू नो गेट्स आउट ऑफ इट सो उनको फिर नहीं पकड़ा जाता वापस इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग राइट हैव यू नोटिस दैट आर नोशन ऑफ कॉन्सडेंट गेट बैक टू द टॉपिक डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड सॉरी फॉर दैट हैव यू नोटिस दैट आर नोशन ऑफ कॉन्स्टुस में ऑलरेडी हैव चेंज विद दिस लास्ट एग्जाम्पल डेफिनेटली हमारे लिए इस एग्ज़ाम्पल से कॉन्स्टुन्स के मतलब जो है काफ़ी चेंज हो जाता है ठीक है वी आर नॉट इन बार्ज वी आर तो फिर हमारे लिए तो ये डेफिनेशन और भी ज़्यादा लार्ज हो जाती है ना फॉर एट इशू हेयर इज नॉट मेरली आइडिया ऑफ फिजिकल बट ऑफ लीगल कॉन्स्टेंस डेफिनेटली हम लोगों पर यहाँ कोई फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगाया कि आपको किसी ने बांध के रखा है या किसी ने आपको पकड़ के रखा है बट लीगल कॉन्स्टुस जो है हर ह्यूमन पे हमेशा रहता है यू कैन नॉट डू समथिंग इ लीगल विच आर गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशन डजन अलाउज यू दैट यू कैन नॉट डू इट यू आर ऑलवेज बाउंड विद लीगल कॉन्स्टुन्स रिमेंबर दैट अ पर्सन मे हैव बीन पुट बिहाइंड बार्स बिकॉज ही हैज़ बीन कॉट स्टीलिंग ही स्टोल्ड बिकॉज ही वॉज फिजिकली फ्री टू स्टील एंड येट ही वॉज इम्प्रेसन बिकॉज इट्स इ लीगल टू डू सो यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया है कि Uh, हम लोग हमेशा लीगल कॉन्स्टिटुएंस के अंदर दिले हम कुछ भी अगर लीगल कॉन्स्टिटुएंस के लीगल फॉर्मेट के बाहर करेंगे तो पनिशमेंट इज देयर फॉर पीपल सो यहाँ बोला है कि उस पर्सन को फिजिकल उस पर्सन को कॉन्स्टिटुंस में इसलिए डाला था या उसको जेल में इसलिए डाला बिकॉज ही वॉज फाउंड स्टीलिंग एंड दैट इज एन इ एक्टिविटी राइट सो इसलिए उसको इम्प्रजेंट कर दिया गया अपॉइंटिंग अ थिंग दैट बाय लॉ बिलोंग्स न अप्रोप्रिएटिंग अ थिंग दैट बाय लॉ बिलों

उसको उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था उसको कोई हाथ पकड़ के नहीं लेके जा रहा था वो फ्री था उसके मन में आया उसने कर दी चोरी एंड उसके बाद पुलिस ने पकड़ा उसको जेल में डाला इट्स ऑल इट्स अ सर्कल राइट तो ये क्यों है क्योंकि लीगल कॉन्स्टेंस होते हैं आप चाहे कितने भी फ्री हो लीगल लॉस को आप नहीं तोड़ सकते ऑलवेज रिमेंबर यू नो इट आई नो यू आर वेरी स्मार्ट इज दिस इज टू फ्रीडम नॉट इज दैट बोथ फिजिकल एंड लीगल कॉन्स्टेंस आर एक्सटर्नल टू द एजेंट डेफिनेटली ये दोनों कॉन्स्टिटुएंस जो है एक्सटर्नल है मतलब अब यहाँ थोड़ा और डेप्थ में बता रहे हैं आपको फ्रीडम में कि देखो कि एक इंसान को कभी भी बाहरी देखो बाहरी चीज़ तो उसको रोकती रोकती है ठीक है लेकिन जैसे कोई फिजिकल फोर्स हो गया जैसे उसको पकड़ लिया वो फिजिकल कॉन्स्टेंट हो गया लीगल कॉन्स्टुस जो गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से है वो भी एक बाहरी चीज़ है लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनल कॉन्स्टुंस भी होते हैं एक दिमाग में मतलब एक इंसान के दिमाग में यू नो कुछ लोग मन से भी या कुछ लोग अपने दिमाग से भी बंधे होते हैं बिकॉज दे कैन डू सर्टन थिंग्स बिकॉज दे माइट बी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है कि इंटरनल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं सपोज अ पर्सन इज वेरी वेरी गुड सिंगर बट ही डजन सिंग्स बिकॉज माइट भी फैमिली डजन अलाउ दम और ही थिंग्स की राइट नाउ ही इज़ नॉट दैट परफेक्ट एंड इफ ही स्टार्ट एट वॉट इज सोसाइटी विल थिंक ओ सॉरी वॉट इज फ्रेंड्स विल थिंक तो वो उस चीज़ को परस्यू नहीं करता एंड ही जस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट और यू कैन से जस्ट रिमेन साइलेंट विद द पैशन ही याज तो वो क्या हो गया वो एक तरीके से आपके दिमाग में सोशल कॉन्स्टेंट है इंटरनल सोशल कॉन्स्टेंट है ठीक है लेकिन है इंटरनल कॉन्स्टेंट तो इट्स नॉट कि आपको ऐसे बाहरी चीज़ों से फ्री होना होता है आपके अंदर से भी आपको फ्री फील करना बहुत जरूरी है दैट्स समथिंग स्परिचुअल टॉक आई कॉल इट बट वी आर नॉट यू दैट लेट्स गेट ट्रू द टॉप कैन अ पर्सन बी अन फ्री नॉट बिकॉज ऑफ़ द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल एंड लीगल कॉन्स्ट्रेंस देर मे बी नन हो सकता है कि इनमें से कोई भी ना हो बट बाय वर्ड ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स देखो साइकोलॉजिकल वर्ड आते दिमाग सोच लिया करो ब्रेन सीधा ऑब्स्ट्रक्शंस देर आर प्रेजेंट विद इन हिस मेंटल मेकअप जो उसके मेंटल मेकअप यानी उसके जो दिमाग में जो इंसान के कॉन्स्ट्रेंस हैं उससे उसको फ्री कौन करेगा मान लो कि फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट भी नहीं है लीगल कॉन्स्ट्रेंट भी नहीं है कोई लेकिन अगर उसके मेंटल मेकअप में या उसके साइकोलॉजिकल या उसे साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं मतलब दिमाग अंदर से वो इंटरनल कॉन्स्ट्रेंस से बंधा हुआ है सोसाइटी का डर हो सकता है कुछ भी हो तो फिर वो फ्री कैसे हुआ अब एक एग्जाम्पल दिया है कंसिडर द स्लेव हु इज सेट फ्री एंड हु इज नाओ प्राउंसड एज फॉर्मली इक्वल टू इज फॉर्मर मास्टर ठीक है अभी एग्जाम्पल दिया है कि आप कंसिडर करो एक स्लेब है उसको फ्री कर दिया एंड नाव ही इज प्रनाउंसड एज फॉर्मली इक्वल टू इज फॉर्मर मास्टर suppose that they both compete in an open exam, and while the former master always does well, the former slave simply cannot perform. is upper psychological reason. reasoning, the example centuries of slavery have taken away from him the basic self-confidence required for good performance. he is unable to achieve his objective, not because of physical or legal constraint, but due to internal psychological constraints. a conception of freedom is purely physical or legal term. ठीके? हम जब जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं ना तो ज़्यादातर हम फिजिकल कॉन्स्ट्रेंस लीगल कॉन्स्ट्रेंस को लेकर बैठ जाते हैं सो अ कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम इज प्योरली फिजिकल और लीगल टर्म इज अनेबल टू कैप्चर द मैकेनिज्म ऑफ अन फ्रीडम विच इज़ एट वर्क हियर वी कैन सिमिलरली टॉक अ बिट ऑफ बोथ आई मीन सोशल कॉन्स्ट्रेंस अ पर्सन इज फिजिकली एंड लीगली फ्री टू एंटर द हायर एजुकेशन सिस्टम ही डज वेल इन ए स्कूल enough to get a place in a decent college but higher education is costly

उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली और अब उसको आज़ाद कर दिया गया है लेकिन एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसे बिल्डअप करना उसे हमेशा जिंदा रखना काफ़ी डिफिकल्ट है इवन नॉर्मल लाइफ में एक नॉर्मल इंसान भी भी हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहता उसके भी लाइफ में अप्स डाउन होते रहते हैं यू नो नॉट एवरी एवरी वन कैन बी ऑलवेज लाइक ऑन द मार्क हमेशा नहीं होता तो एक ऐसा इंसान जो स्लेवरी स्लेवरी काट के आया है और उसको स्टेटस उस वापस दे दिया जो भी उसका पहले फॉर्मर हेड स्टेटस था जो भी था उसे दे दिया और उसे एक ऐसे इंसान के साथ कॉम्पिटिशन में बिठाया जो बाहर था फ्री था उसके ऊपर कोई वो स्लेवरी वाला टैग नहीं है लेकिन जो दूसरा इंसान है स्लेव है जो स्लेव था उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा गिर चुका है एंड बिकॉज ऑफ दैट जब उन दोनों का एग्ज़ाम करवाए एक ऐसा इंसान जो फ्री था कोई स्लेवरी का टैग नहीं एंड अ पर्सन विद स्लेवरी टैग स्लेवरी टैग वाले पर्सन का लो, जो लो सेल्फ स्टीम तो नहीं कहूँगी लेकिन लो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की वजह से दैट पर्सन कूड परफॉर्म एड तो ये क्या हो गया उसको फ्री तो कर दिया था उसको देखो फिजिकल बैरियर से फ्री कर दिया उसके ऊपर अब कोई लीगल कॉन्सक्स नहीं थे मतलब उसको बता दिया ना कि आप लीगल फॉर्मेट के अंदर रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके सोशल कॉन्सटेंस थे उसके इंटरनल कॉन्सटेंस थे राइट सोशल कॉन्सटेंट इसलिए बोला क्योंकि उसे सोसाइटी के सामने शर्म आ रही थी राइट right? उसके बाद ये बोला कि ये जो चीज़ है ये इंटरनल और साइकोलॉजिकल है ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर बात की है एक ऐसे स्टूडेंट की जो कि काफ़ी ब्रिलियंट है अपनी स्टडीज़ में हायर एजुकेशन में काफ़ी अच्छा किया है बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई स्कॉलरशिप और सब्सिडीज ना होने की वजह से और एजुकेशन का एक्सपेंसिव होने या कॉस्टली होने की वजह से ही इज़ नॉट एबल टू परस्यू दिट परस्यू इट ओके बिकॉज ही इज़ हैंडी कैप बाय द रिलेटिव पॉवर्टी एंड दिस इज़ अ मेजर मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया दैट पीपल बिकॉज ऑफ दिस Cannot actually go and achieve their dreams. But I'll tell you one thing, guys, it's just out of the topic. But anyone out there, you know, if you, I really hope no one, no one of you, but if so, just remember that poverty is also the biggest strength if you take it in that way. You know, I have seen people rising out of poverty just because, you know, always aim high, that I would say, you know, always aim high. If you are in any kind of problem, that can be anything. Every person has issues in the life. No one has a smooth slurry. Okay, everyone have those crumbs. That's all right. That's life. That always teaches you something. But always remember, never you know, never repeat the same mistake. And uh, in terms of poverty, never be worried about it. Always try whatever comes to just aim high and just go for it. Whatever comes in between, try crossing those barriers. Okay, I'll not speak much. Otherwise, it will be an emotional lecture that I don't want. बट नवर बी लेट डाउन बाई एनी थिंग अराउंड यू ओके बी ऑलवेज कीप यर स्पिरिट हाई इन साइड योर सेल्फ दैट येस आई वॉन्ट टू डो इट एंड डेफिनेटली आई डो इट नथिंग कैट पुल मी डाउन ऑलवेज हैिट एंड बिलीव योर गॉड दैट विल ऑलवेज रन यू थ्रू द वे बिलीविंग योर गॉड डेफिनेटली वर्क ओके गेटिंग बैक टू दॉ टॉपिक तो उस पर्सन के ये सोशल और इकोनॉमिक कॉन्स्वेंस होने की वजह से वो नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है एम्पलस दट इम्प्लेक्ट इज दिस इज अ स्टिल डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम ओके फ्रीडम फ्रॉम नॉट मेनली फिजिकल तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट आ गया फ्रीडम का कि फ्रीडम फ्रॉम नॉट मेनली फिजिकल लीगल एंड साइकोलॉजिकल ब्रॉज सोशल इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट ये भी कॉन्सिटेन्ट होते हैं ना इंसान के ऊपर तो फाइनेंशियली भी तो आती है चीजें सोशली भी तो आती है तो फ्रीडम की डेफिनेशन और ज्यादा ब्रॉड होगी वी स्टार्ट विद फिजिकल कॉन्स्टिट्रेंस वी एंटर लीगल कॉन्स्टिटुएंस दैन साइकोलॉजिकल एंड नाउ सोशल इकोनॉमिक कॉन्स्टर अब देखो इंसान की लाइफ में कितने ठीक है सिर्फ कॉन्स्ट्रेंट पे फोकस किया है इज द की सो ओके द कॉन्स्टेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है सो फ्रीडम समझ सको However, our conception of freedom changes with our ideas about what we should do once freed from constraints. जब हम ये सोचते हैं यू you नो know, हमारा जो ये कंसेप्शन है एक्चुअली वॉट आट इज ट्राइंग टू से इट कि वी जैसे जैसे हम लोग फ्री होते हैं ना हमारे आइडियाज भी थोड़े चेंज होते हैं ठीक है जैसे जैसे हम कॉन्स्टिट्रेंट्स को पढ़ते हैं तो हमारे आइडियाज उसके साथ साथ चेंज होते हैं फ्रीडम के राइट

सो इफ सम वन डिज़ायर टू स्मोक ओके एंड नो कॉन्स्ट्रेंस एग्जिस्ट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो देन द पर्सन इज़ फ्री मतलब अगर ऐसा कोई सोचे कि किसी को स्मोक करना है वो कर लेता है उसे कोई नहीं रोकता है कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है उसके ऊपर फाइनेंशियली भी अफोर्ड कर पा रहा है मेंटली उस पर कोई प्रेशर नहीं है फिजिकली ही इज़ फ्री लीगली भी उसको कोई कुछ नहीं बोला बिकॉज ही इज नॉट स्मोकिंग इन अ पब्लिक स्प्लेस तो ही कैन कैन ही स्मोक दैट कैन ही स्मोक नहीं यार इट्स नॉट गुड बिकॉज इट्स समवेयर जब हम बात करते हैं ना राइट टू लाइफ तो वो अपनी लाइफ को हार हेम्पर कर रहा है और साथ साथ उसकी फैमिली की लाइफ को भी खराब कर रहा है दैट्स नॉट गुड अदर्स आर दैट बाई फोकस ऑन करंट अन्यूट डिजायर वी मिस अंडरस्टैंड वॉट इज रियली एट इशू इन डिस्कशन ऑफ फ्रीडम कुछ लोग बोलते हैं दूसरे ये पहले वाले चेन उन्होंने बोला कि जिस टाइम पर हमें जो लग रहा है अगर हम वो कर सकते हैं दैट फ्रीडम अब दूसरे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता दिस इज अ कम्प्लीट मिस अंडरस्टैंडिंग इफ़ वी डू सो कि जब मर्जी आए जो कर लिया दैट्स फ्रीडम बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पर हमें इस फ्रीडम के डिस्कशन को और ज़्यादा वाइड करना पड़ेगा सच पीपल वर्क विद अ लेस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मोर रॉबर्स कंसेप्शन ऑफ रीजन एंड आर्ग्यू दैट वन इज फ्री ओनली वेन दैज इज एबसेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंस एंड अ रियल अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट वी इवेल्यूएट टू डू गुड फॉर अस नाउ दिस इज गुड दिस इज एक्चुअली रियली गुड डेफिनेशन तो ये जो है ना जो बोल रहे हैं कि भाई ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप बोल रहे हो जब मर्जी आए जो कर दे फ्रीडम डेफिनेटली दैट्स नॉट एट ऑल फ्रीडम फ्रीडम को उन्होंने ये बोला है कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम फ्री फील करें कोई भी कॉन्स्टेंस ना हो एक रियल अपॉर्चुनिटी हो हमारे पास और उस अपॉर्चुनिटी से हम हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकें दैट इज समथिंग कैन बी कॉल्ड एज फ्रीडम ऑन द ऑन दिस व्यू इट इफ ऑन दिस व्यू इफ इंफॉर्मेशन दैट सिगरेट्स आर ग्रेवली इंजरस टू हेल्थ इज अवेलेबल टू अस ओके बट स्टिल ये जानने के बाद भी दे कंटिन्यू टू बो डिज़ायर स्मोकिंग एंड फुलफिल द डिजायर देन वी आर नॉट रियली बींग फ्री ये देखो वही बात बोल रही वी हैव नॉट फ्री बिकॉज वी सिखम टू हैबिट और अडिक्शन कंप्लीटली बाई पासिंग इग्नोरिंग और इवेडिंग वॉट आर रीजन सीज इज गुड फॉर आर टू फॉल प्रे टू वंस करंट अनियलेटेड डिजायर इन दिस व्यू इज टू बी इन द स्टेट ऑफ अन फ्रीडम आप जो भी डिसाइड करो आपका जो तो डिज़ायर होना चाहिए क्या बोला जैसे उसने स्मोक की बात की कि वो उसकी मर्जी है स्मोक कर दिया फ्री है नहीं ये नहीं होता बिकॉज इट्स डेफिनेटली अनहेल्दी दूसरा अगर इससे अडिक्टेड हो गए तो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे थर्ड इज़ की बाई पासिंग इग्नोरिंग वेडिंग वट आर रीजन इज गुड फॉर अस हमेशा और ये अनइवैल्यूटेड डिजायर desire है डिज़ायर्स हो ठीक है आपका कोई डिज़ायर है आप वो कर रहे हो वो हमेशा आप एक रियल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पहली बार आपके भले के लिए होनी चाहिए और सोसाइटी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के खिलाफ ये नहीं कि यू आर कंसर्नड कि लोग क्या सोचेंगे आपको इ एक्टिविटी में मर जाना ठीक है लीगल फॉर्मेट के हमेशा अंदर रहकर एक इवेल्युएटेड डिज़ायर को अगर आप उस पर फोकस करते हो उसको कम्प्लीट करते हो दैट इज़ एक्चुअली फ्रीडम उसको अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हो बिना किसी लीगल कॉन्स्टून्ट्स के या बिना किसी की कि, किसी भी कॉन्स्टेंट के दैट इज़ फ्रीडम सेंगी वंस सकैम शायद क्लम हो गया होगा ये बोल रहे हैं कि जैसे स्मोक की बात है सो दैट इज़ नॉट गुड क्योंकि वो अनहेल्दी एडिक्टेड हो गए तो इशू है फ्रीडम इन्होंने बोला है कि वो चीज़ है जिसमें आप एक इवेल्युएटेड डिज़ायर लो और उसे फुलफिल कर सको बिना किसी कॉन्स्टेंट्स के ठीक है और वो आपके भले के लिए हो अगर वो एक अनइवैलुएट डिज़ायर अनइवैल्युएटेड मतलब बिना सोच तर्क के जो भी डिज़ायर तुम ले लेते हो और फिर उसको पूरा कर रहे हो वो कम्प्लीटली अनफ्रीडम है वो फ्रीडम नहीं हो सकता फ्रीडम इज़ अ कंडीशन और ये freedom is a condition now you can mark it if you have a book it's a really good. freedom is a condition of reading a life and of doing things that are evaluated to be good for us to fulfill desires that are judged to be worth having in the first place this view slowly leads to the idea that freedom is identical with self-realization definitely isley the koi san evaluated na. वी के नॉट एक्सपेक्ट एवरी वन टू बी एवेल देर आर मैनी पीपल हु स्पोक बिकॉज वो एक अन इवेलुएटेड डिज़ायर लेते हैं और और उन पर कॉन्स्टेंट हो ना हो बट वो उस चीज़ से अडिक्ट हो जाते हैं ठीक है तो ये गलत चीज़ हो जाती है दट समेर मिसलीड्स पीपल लेकिन फ्रीडम के भाई जब यहाँ कंसेप्ट की बात आती है सीधा सीधा खुला खुल्ला बोल दिया आपको कि फ्रीडम इज समथिंग जिसमें आप एक इवेल्युएटेड सोच समझ कर कोई डिसीजन लो कोई सोच समझ कर आपका कोई डिज़ायर है ठीक है जो आपके भले के लिए है ओके okay? दैट कैन बी समवेयर प्लेज डेज सो इट सेज कि ये जो फ्रीडम का जो कंसेप्ट है हम देख सकते हैं कि हमें लीड कर रहा है एक सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ मतलब कि हर किसी का सेल्फ रियलाइजेशन अलग होता है अगर आप दो पर्सन को देखो तो एक के हिसाब से कोई भी कंसेप्ट सही हो सकता है एक के हिसाब से कोई भी कंसेप्ट गलत हो सकता है तो मतलब की जो फ्रीडम का आइडिया जो है इट समवेयर लीड्स अस टू द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कोई अपने को कितना अच्छे से समझ सकता है सेल्फ रियलाइज किसी चीज़ को कितना अच्छे से कर सकता है द डिटेल्ड इलेबोरेशन ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इज वन टास्क ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी तो थ्योरी में बोल रहे हैं कि हमने कंसेप्टल क्वालिटी की बात की फर्स्ट फीचर का एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो so, कंसेप्ट को डिटेल इलेबोरेशन देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोलिटिकल थ्योरी द अदर वन इज टू रीजन वाई वी शुड चूज वन रादर देन ददर कंसेप्शन वाई इफेट ऑल वन वन कंसेप्शन इज बेटर दैन अदर दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड डिस्टेंडिंग फ्यूचर अब यहाँ पर सेकेंड डिस्टेंटिंग फीचर की बात करें वीडियो इज ऑलरेडी सो लॉन्ग आई एल अपलोड दिस एंड द नेक्स्ट आई रियली आई वुड रियली मेक इट श्योर कि आज के आज आई कम्प्लीट एट लीस्ट दिस टॉपिक आई हैव एन आइडिया ऑफ कंप्लीट इंग द एंटायर चैप्टर बिकॉज इसके बाद सिर्फ दो टॉपिक्स बचेंगे सो स्टेट यून टूडे ओके टूडे यू विल स्टडी हार्ड ऑल राइट तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि फ्रीडम का क्या बोल रहा है कि एक हमेशा हमेशा थ्योरी के अंदर एक डिटेल्ड एलेबरेट होना चाहिए हर कंसेप्ट का और ये भी होना चाहिए कि हम जो भी आप रीज़न दे रहे हो ना किसी भी कंसेप्ट का वाई वी शुड ऑप्ट फॉर दिस आपने किसी की भी थ्योरी उठा के अगर डाली है बुक में तो वाई हैव यू पुटेड वाई नॉट समबड़ी एल्स क्यों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वॉट एंड वाई पहला कंसेप्ट ये कहता है मतलब आई मीन टू से कि फर्स्ट फीचर ऑफ थ्योरी इज़ कंसेपचुअल क्लैरिटी टू ब्रिंग अस विद एन आइडिया व्हाट एंड वाई what is the concept and why we should opt for it and not something else i hope it is clear and i told you in the beginning that we will be discussing some comments but guys it's too long and we'll do it some other else there are many people many good 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 people and thank you so much guys i can't thank you so this is christmas today so hugs and cherries to all of you bye bye and do like it that's all thank you